हाँ वेलकम। आज हम कैलकुलस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और हमने पिछले जो जितने भी वीडियोस हैं कैलकुलस के रिलेटेड, वहाँ पे हमने एबिनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने प्रूव कर दिया कि पावर फंक्शन हो या लॉगरिदम हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसकी डेफिनेशन कैसे होती है। आज हम थोड़ा आगे जाते हैं। सपोज हमने कहा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस पावर एन माइनस वन, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x is equal to 1 by x and d by dx of e raised power x is equal to function itself and d by dx of any trigonometric function, say suppose sin x is cos x, उस cos x का था minus sin x। तो आज हम थोड़ा आगे जाएंगे, हम थोड़ा basics कुछ points हैं जिन जहाँ पे mostly most students जो होते हैं वो confused हो जाते हैं। Suppose अगर मैं power function के base पे कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें पता है कि इस फॉर्मूला को कंसिडर करके हम यहां n के बदले 3 है, यहां n के बदले आपके पास 3 है, तो आप n नीचे लाएंगे और फिर x को 1 माइनस करेंगे, जैसे यहां पे n माइनस 1 है, तो वो इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी। लेकिन जब आप पावर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप जब पावर को नीचे लाते हैं फिर एक्स रेस पावर थ्री माइनस वन करते हैं या एन माइनस वन करते हैं, उसके बाद इस एक्स की भी डिफरेंशिएशन होती है। वहां पे हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वहां पे हम वन कंसिडर करते हैं एक्स की डिफरेंशिएशन। अब हम एक्स की डिफरेंशिएशन को वन कब कंसिडर करेंगे और डी एक्स कब कंसिडर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एक्स के बदले टी होगा, सपोज यही फंक्शन है वाई, टी वाली जो फंक्शन है बाद में हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसे तय लिखूंगा। असल में जो डिफरेंशिएशन का तरीका है वह है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई, लेकिन जो डिफरेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट एक्स, मैं लेफ्ट साइड से डी वाई लिखूंगा। डी वाई इज इक्वल, अब यहां पे एक्स रेस पावर एन रूल इस्तेमाल हो जाएगा, तो थ्री नीचे आ जाएगा एक्स रेस पावर थ्री माइनस वन, उसके बाद इस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी और वो होगी डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये डी एक्स हम यहां लेते हैं डी वाई बट डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स रेस पावर थ्री माइनस वन, और हम लिखते ही नहीं कुछ जैसे वहां पे नहीं लिखा है। यानी कि अगर हमने डायरेक्टली ही डी वाई बाई डी एक्स लिखा वाई की डिफरेंशिएशन, तो यहां पे बेस में जो एक्स है उसकी डिफरेंशिएशन वन हो जाती है, लेकिन अगर हमने सिर्फ डी वाई लिखा तो यहां एक्स की डिफरेंशिएशन वन होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं सीधे डी वाई बाई डी एक्स लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट एक्स वो होगा यहां पावर वन है वन एक्स रेस पावर वन माइनस वन दैट इक्वल टू एक्स रेस पावर जीरो इक्वल टू वन। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई है एक्स की है डी एक्स, तो मैं डी वाई ये डी एक्स यहां लाऊंगा इज इक्वल टू वन। ये वाला स्टेट भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, मैथमेटिकली हम थोड़ा सिमिट्रिक वे में लिखते हैं, लेकिन असल में ये चेंज इन डी एक्स होता है तब जाके चेंज इन डी वाई होता है, ये डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। फिर हम डी एक्स को डिमांड मैथमेटिकली डिनोमिनेटर में लाते हैं, हम बोलते हैं कि एक्स की डिफरेंशिएशन वन आ गई, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की डिफरेंशिएशन वन। यानी कि यहां से हमें पता चलता है अगर आपके पास कोई इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स रेस पावर थ्री बाई टू, तो अगर आप लिखोगे ये डिफरेंशिएशन डी एक्स जो x की डिफरेंस होगी यहां डिवाइड में लिखोगे, तब जहां जहां आपके पास x फंसेगा बेस में आपको उसका डिफरेंस मान लिखना है, सिर्फ आपको पावर की डिफरेंस करनी है। सपोज मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने यहां से डिनोमिनेटर में इसका dx कर दिया, तो मैं यहां लिखूंगा यहां बचेगा थ्री बाई टू एक्स रेस पावर थ्री बाई टू माइनस वन इंटू इस एक्स की डेफिनेशन वन होगी। अगर मैं यहां डी एक्स नहीं लिखता तो इस एक्स की डेफिनेशन डी एक्स बनती है यहां पे, और वही डी एक्स पे डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये बेसिक रूल है, मैं इसको इस तरह से और समझा सकता हूं कि आप जनरल फॉर्मूला जो इसकी लिखेंगे वो ऐसी होगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन की जो डिफरेंशिएशन दैट्स एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बेस, यानी जो एक्स है यहां पर। अब आप डी एक्स यहां ले रहे हो तो यहां पे आप जहां भी एक्स होगा वो वन होगा, अगर आप एक्स की भी करोगे आप वो डी एक्स बनेगा, डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका इतना आ जाएगा। सपोज आपका आ जाएगा वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मैं लेता हूं यहां टी एक्स के बदले टी है
और वाई अपना ये दोनों डी वाई बाई डी टी, तो ये टू नीचे आ जाएगा टी रेस पावर टू माइनस वन, फिर इस टी की होगी जो बेस में है, तो चूंकि मैंने डी टी लिखा है यहां पे तो इसकी वन आ जाएगी। अगर मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं लिख दिया डी वाई, सो डी वाई इज इक्वल टू, फिर बन जाता टू टी टू माइनस वन, फिर इस टी का होता डी टी, फिर यह बन जाता टू टू माइनस हो गया वन इंटू डी टी, डी टी में यहां ले जाता डी वाई बाई डी टी, ये भी सेम ही है और ये भी यही बन गया। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लिख रहे हो तो जहां जहां भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंसेगा उसकी डिफरेंस मान आ जाएगी, या किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास होगा v इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर टू टी, आपको यहां t लिखना पड़ता है। अगर मेरे पास y के बदले v है, x के बदले t है, तो मैं लिखता हूं डी वी बाई डी टी, तो यहां डी टी आ गया, इस तरह यहां जहां भी टी फंसेगा उसकी वन होगी, लेकिन पहले पावर रूल इस्तेमाल करना है, तो टू नीचे आ जाएगा बनेगा सिक्स टी टू माइनस वन हो गया वन, प्लस टी का वन होगा टू बचेगा, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि डी इज इक्वल टू, पहले पावर रूल इस्तेमाल होगा, पावर नीचे आएगा बनेगा सिक्स टी रेस पावर टू माइनस वन, फिर इस बेस का होगा उसका डी टी प्लस टू इंटू डी टी, तो फिर डी किसके बराबर आ जाता, ये डी टी और ये डी टी कॉमन आ जाता, सिक्स टू मान हो गया वन ही सिक्स, यहां फंस गया टी प्लस टू इनपुट डी टी बाहर आ जाता कॉमन, फिर ये टू डिनोमिनेटर में आ जाता, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू सिक्स टी प्लस टू, ये आ गया। तो असल में ये लिखने की टेक्निक्स कैसे लिखते हैं, आप इसको कैसे समझते हैं, तब जाके आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं इलेवंथ के, जिन्हें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें वन कहां पे लिखना है, हमें डी एक्स कहां पे लिखना है, डी टी कहां पे लिखना है, असल में ये दोनों की डिफ्रेंसिएशन होती है, और ये बाद में हम अगर यहां से ही डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, डिनोमिनेटर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहां से ही लिखते हैं, तो जहां जहां भी आपका बेस फंस जाता है उसकी डिफरेंशिएशन वन आ जाती है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स रेस पावर थ्री बाई टू, अगर मैं यहां डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूं, तो फिर यहां जहां भी x आ जाएगा पावर के, पहले तो पावर फॉर्मूला इस्तेमाल करनी, उसके बाद जहां x आ जाएगा वहां वन होगी, तो 3 बाई टू नीचे आ जाएगा x एस पावर 3 बाई टू माइनस वन इनटू डिफरेंस ऑफ दिस बेस, क्योंकि मैंने यहां dx किया लिया हुआ है तो इसकी एक वन आ जाएगी, तो यू गेट 3 बाई टू एक्स एस पावर 3 बाई टू माइनस वन, वन बाई टू आ जाएगा, सो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अगर मैं डी एक्स के सूत्र में करूंगा तो मैं लिखूंगा डी वाई इज इक्वल टू, पहले पावर फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगी, थ्री बाई टू एक्स रेस पावर थ्री बाई टू माइनस, फिर इस बेस की होगी डी एक्स, अब मैं इसी डी एक्स को यहां लाऊंगा, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स रेस पावर थ्री बाई टू माइनस वन, दैट इज वन बाई टू, दैट हो गया थ्री बाई टू रूट एक्स, फिर वही आ गया। तो इसका मतलब है कि आपने ये अंदाजा करना है कि आप यहां ही लिख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या आप राइट साइड में लिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन दोनों की होनी चाहिए, और y इज इक्वल टू x में आपके x की डिफरेंशिएशन वन बन जाती है, तो फिर y आप लिखते हैं dy बाय dx, अगर मैं y को सिर्फ dy लिखूंगा तो राइट साइड में आपको dx लिखना है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो होती है d बाय dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो होती है फंक्शन इटसेल्फ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, जो पावर में होगा उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो यहां मैंने x रखा है, मैंने यहां dx लिखा है, तो x की डिफरेंशिएशन सिंपली बनना जाएगी से लेट y इज इक्वल टू e रेस पावर x, अगर मैं लिखूं dy ओवर dx यानी कि मैं लिखा y चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां इस एक्सपोनेंशियल के बाद डिफरेंशिएशन होगी पावर की, और मैंने यहां dx लिखा हुआ है x की डिफरेंशिएशन, तो यहां मुझे 1 लिखना है, तो वो क्या आएगा फंक्शन इटसेल्फ इनटू d बाय dx ऑफ पावर दैट्स x, तो dx dx बनेगा कैंसिल हो जाएगा, यू गेट e रेस पावर x, या d बाय dx ऑफ x इज 1, या असल में x की डिफरेंशिएशन dx ही होगी, वो dx से dx कैंसिल हो जाएगी, यू गेट e रेस पावर x, सो द dy बाय dx इज इक्वल टू e रेस पावर x इनटू 1, सो यू गेट e रेस पावर x। इन स्टेड ऑफ
आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू ई रेस पावर x, अब यहां करेंगे dy इज इक्वल टू ई रेस पावर x, पहले फंक्शन इटसेल्फ इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, सो वो आएगा y dy इज इक्वल टू ई रेस पावर x, d by dx, x इज dx, जैसे मैंने यहां कहा dx लगा दूंगा कैंसिल हो जाएगा, अब ये dx ही आ जाएगा, dy by dx यहां आ जाएगा, ये बनेगा ई रेस पावर x, हो गया सेम। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा अप्रोच कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसको समझने की कैसे कोशिश करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था कि उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो है फंक्शन इटसेल्फ इनटू डिफरेंस ऑफ पावर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, y इज इक्वल टू ई रेस पावर साइन x, अब इसकी डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, इसकी लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन इटसेल्फ क्योंकि पता है एक्सपोनेंशियल में फंक्शन इटसेल्फ होती है इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, d by dx of power sin x, तो क्या बचेगा e रेस पावर sin x इन डिफरेंस ऑफ sin x इज cos x, तो इसकी डिफरेंस होगी यहां मैंने dx लिखा तो मैंने e रेस पावर sin x इंटू cos x dy by dx, इसी को मैं अगर इस तरह से करूंगा यही फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेस पावर sin x, यहां होगा डी वाई, तो यहां बचेगा फंक्शन इटसेल्फ ई रेस पावर साइन एक्स इन टू, फिर साइन का होगा दैट इज कॉस एक्स, फिर एक्स का होगा दैट इज डी एक्स, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होती है नीचे आ जाता है, पहले एक्सपोनेंशियल का होगा इटसेल्फ, फिर साइन का होगा कॉस एक्स, किस एंगल का होगा डी एक्स, तो फिर ये डी एक्स नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ई रेस पावर साइन एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास e रेस पावर एक्स स्क्वायर होगा, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आपको पहले पावर का करना है फंक्शन दिस एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल इट्सेल्फ, बाद में आप धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। सपोज आपका है log x d by dx ऑफ log x, आपने पता है कि ये जो रेसिप्रोकल लिखना है 1 बाय x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो यहां पे डिनोमिनेटर होगा ये आप याद रख लें। अब चूंकि लेट y y इज इक्वल टू log x की डिफरेंशिएशन करनी है, आप क्या लिखेंगे dy by dx, आपने यहां dx ले लिया तो log ये हो गया 1 बाय x, फिर ये x की होती है dx, लेकिन वो यहां आपने लिया है तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू log x, आप अगर यहां dy लिखते तो आप लिखते log x की होगी रेसिप्रोकल 1 बाय x, फिर इस x की होगी डिनोमिनेटर की, वो बनेगा dx, फिर ये dx नीचे आ जाता है यहां बिकम dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय x। तो जब आप dy by dx लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो आपको यहां पे जहां पे भी आ जाएगा x आपको 1 लिखना है, तो अगर आप dy सीधे लिखते हैं y के सिर्फ dy, तो फिर आपको यहां dx लिखना है, ये कभी थीटा में भी आ जाता है सपोज, तो इसका मतलब है log का ये आ गया। अगर मैं लिखूंगा कि एक और एग्जांपल लो कि सो y इज इक्वल टू log ऑफ sin x, तो इससे क्या होगा dy by dx, सो 1 by sin x, फिर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin का होगा फिर sin x, वो होगा 1 over sin x into that's cos x, फिर x का होता है व्हाट इज 1, तो वो हमने यहां पहले लिया हुआ है, तो इसी को हम अगर y को dy करूंगा तो यहां बनेगा 1 by sin x, फिर sin का होगा डिनोमिनेटर का, उसका होगा cos x, फिर इस x का होगा उसका होता dx, अब ये फिर dx यहां डिवाइड में आता था dy by dx is equal to 1 by sin x into cos x, ये बन जाते cot x, ये भी cot बनेगा ये भी cot बनेगा, तो डिफरेंस ऑफ लॉग जो है that is 1 by x into differentiation of denominator। इस तरह से trigonometric function में है, trigonometric function में है, अगर sin x आपका है तो पहले होगा d by dx of sin x, कैसे करेंगे आप d by dx of होगा sin का होगा पहले वो होगा cos x into differentiation of angle, तो d by dx of angle
यहाँ एंगल की डिफरेंस इन वन हम लिखते हैं, यहाँ एंगल एक्स है ना उसकी डी एक्स लिखी है, वो पहले लिखी है, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई की क्या होगा, अगर वाई की लिखना डी वाई बाई डी एक्स, मैंने यहाँ डी एक्स पहले लाया तो वहां जहां भी एक्स बसेगा उसकी वन होगी, साइन की होगी कॉस, और एंगल पूरा लिखना होता है एक्स, फिर होता है इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल, तो मैं यहाँ डी एक्स लिख चुका हूँ यहाँ, तो फिर एक्स की वन आ जाएगा, तो बनेगा कॉस एक्स। इसी को मैं इस तरीके से कर सकता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन x, तो ऑब्वियसली y की क्या होगी dy, वाई साइन की क्या होगी cos x, साइन cos एंगल पूरा लिखना है, फिर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल, अब एंगल के बदले क्या है x, x क्या होगा dx, अब ये dx यहां ले जाते हैं dy वाई बाई डी एक्स, यहां बोलते हैं cos x इंटू वन, यानी कि x की डिफरेंस वन आ गई, असल में dx यहां लिया होता है हमने, तो दोनों सेम रिजल्ट आते हैं, तो इसका मतलब हमें जो जनरल फॉर्मूला हमें मिल रही है, जो हमें जनरल फॉर्मूला मिल रही है वो ये है कि d by dx ऑफ x raise power n इज इक्वल टू n x raise power n माइनस वन इंटू d by dx ऑफ बेस, जो बेस होगी d by dx ऑफ log x that is equal to reciprocal, जो log के आगे होगा, into differentiation of that very reciprocal यानी कि denominator, अगर d by dx of e raise power x होगा, that will be function itself into differentiation of power, power में कुछ भी हो सकता है, so power, अब यहां x के हिसाब से करते हैं, कभी theta के हिसाब से भी करते हैं, and d by dx of sin x या cos x, वो होगा साइन का होगा कॉस, एंगल पूरा लिखा जाएगा, फिर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एंगल, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, सपोज वाई इज इक्वल टू ए साइन ए थीटा, साइन ए एक्स, मैंने थीटा के बदले एक्स ले लिया एंगल, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले साइन का होगा एंगल पूरा लिखना है, कॉस into ax, into difference of angle, ये ax angle है, d by dx of ax, क्योंकि मैंने यहां dx लिया है, तो यहां जहां भी x आ जाएगा उसकी वन होगी, so dy by dx is equal to cos of ax, x की वन आ जाएगी, वहां a बचेगा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये जनरल फॉर्मूला है, ये याद रखें, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूं, y is equal to a sine of ax, you can write dy, sine का क्या होगा cos, एंगल पूरा लिखा जाएगा into differentiation of angle, dy by dx of ax, तो ये बचेगा dy is equal to cos of ax into x का मैंने यहां वो dy में नहीं लिया है ना, तो यहां x का आएगा dx, बचेगा a dx, अब ये डी एक्स यहां लाएंगे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स, यानी कि चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट एक्स इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकला या चेंज नहीं आ रही है इसके बाद, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, इस तरह से लॉग ऑफ एक्स आप लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आप ले सकते हैं, तो इसका क्या होगा वन बाय एक्स स्क्वायर into differentiation of x square, वो होगा 2 raise x to the 1 into x का 1 होगा, that becomes 2x divided by x square, एक x cancel, that's 2 by x, log of x square का differentiation. Similarly, आपका होगा differentiation of e raise power ax, e raise power ax, तो ये होगा dy by dx, तो यानी यहां e raise power ax into differentiation of power, so बनेगा e raise power ax into x का मान होगा कि मैं यहां dx लिख चुका हूं, तो यहां a बचेगा, that's a e raise power ax, अगर मैं यहां dx नहीं लिखता तो यहां x का आता dx, और फिर वही denominator में चला जाता लेफ्ट साइड की, ये है कुछ एग्जांपल्स, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन में एक और रूल होता है कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, सपोज साइन भी होगा और e raise power x साथ में होगा,
ये मल्टीपल होगा दो फंक्शंस का, क्योंकि हमारे पास लॉगरिदमिक फंक्शन है, एलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, अगर एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल में है तो यहां पे आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहां पे प्रोडक्ट रूल चलता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आपको ए की डिफरेंशिएशन करनी है, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी होता है, सपोज ये यू है और ये वी है, तो इसमें क्या करना है, ए को अनचेंज रखना है, दूसरे की डिफरेंशिएशन करनी है, प्लस फिर दूसरे को अनचेंज करना है, अगले वाले की डिफरेंशिएशन करनी है। U मैंने ऐसे ही रखा डिफरेंशिएशन ऑफ V, प्लस V को ऐसे ही रखा डिफरेंशिएशन ऑफ U। यहां ये U है, यहां V, ये V है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है, लेकिन बाद में इसके खुद भी रूल्स है कि U किसको रखना है, V किसको रखना है। सो dy by dx क्या होगा, U अनचेंज्ड यानी कि e to the power x अनचेंज्ड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ V, दिस d by dx ऑफ sin x, प्लस अब sin x अनचेंज्ड d by dx of e raised power x, यहां भी वही चलेगा, dx में ले लिया, जहां भी x मिलेगा उसको 1 कर दो, यू गेट e raised power x into power की डिफरेंशिएशन x, लेकिन वो 1 होगा कि मैं यहां dx ले चुका हूं, यहां dx की e raised power x की डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, sin ही करनी है, sin ही होगी cos x, फिर x की होगी वो 1 होगी क्योंकि मैं यहां dx लिख चुका हूं, प्लस sin x ऐसे रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ e raised power x, दैट्स फंक्शन इटसेल्फ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, वो पावर में x है उसकी 1 ही होगी, वरना एक dx होती, लेकिन dx यहां लिख चुका हूं मैं, सो यहां x के बदले 1 लिखना है मुझे, सो यू गेट dy by dx इज इक्वल टू e raised power x, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin x plus cos x, ये प्रोडक्ट रूल है। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल में आपको होगा x स्क्वायर log x, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x, यहां होगा dy by dx, इसको अनचेंज रखो, लॉग एक्स ही कर दो, वन बाय एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर करना है, वो होगा टू एक्स, यहाँ एक्स और एक्स कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, एट दिस प्रोडक्ट रूल यू कैन डू सो मेनी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। इसके बाद एक और रूल है चेन रूल। चेन रूल में हम इतना ही सीखते हैं कि आपको ग्रेडिएंट कैसे निकालना है, या चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर दिया होगा तो उसे हम चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कैसे कर सकते हैं। सपोज मेरे पास है एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये वाई के बदले वी है, एक्स के बदले टाइम है, यानी मैंने वाई को रिप्लेस किया वेलोसिटी के साथ और एक्स को रिप्लेस किया टाइम के साथ। अब चूंकि मैकेनिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा जो मोशन है जो आप नाइन्थ में पढ़ते हैं वो आप विद एल्जेब्रा या ज्योमेट्री के मदद से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना भी आपको अब मैकेनिक्स में पढ़ना है वो आपने कैलकुलस बेस पर पढ़ना है, तो यू हैव टू स्टडी द कैलकुलस, कीपिंग इन व्यू द कैलकुलस दिस मैकेनिक्स, to study the mechanics in 11th course you have to strongly have a, must have a strong hold on the calculus, tab ja ke aap kisi bhi equation of motion ko derive kar sakte hain, it is not ke in 9th class we use geometry and algebra then we calculate the equation of motion, jo jitne bhi equation of motion hai ya mechanics mein jo bhi changes aa jati hai ya hum jis displacement ki jo definition lete hain ya velocity ki jo definition lete hain, to yahan pe hame वो कैलकुलस के बेस पे स्टडी करना है। ये कैलकुलस हमें कैसे हेल्प करता है कि हम वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या किसी भी मोशन को स्टडी करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ फॉर एग्जांपल वाई, हमारे पास मैं वाई और एक्स ले रहा था, अब मैं वाई को एक्स टी से रिप्लेस कर रहा हूँ और एक्स को टाइम से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आई गेट द चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, बिकॉज डी एक्स बाई डी टी शोज द चेंज इन एक्स द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट एक्स। Now y के बदले मैंने v डाल दिया, the change in velocity with respect to x के बदले में time डाल दिया time, तो ये बन गया change in velocity with respect to time is known as acceleration। तो ये कैसे आप apply, ये ऐसे ही आपको अब apply करना है
कि आपका जो एक्स वाई सिंबलाइजेशन है उसको आप वी ओ टी या एक्स एंड टी में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपका है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो यहां आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम यूज वेलोसिटी। तो ये मेथड है कैलकुलस बेस्ड वेलोसिटी लिखने का तरीका। इस तरह से एक्सेलरेशन लिखने का तरीका ये है। तो कैलकुलस में यही सिखा रहा है कि हमें वेलोसिटी कैसे लिखेंगे कैलकुलस बेस्ड। तो सपोज डिस्टेंस बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, मुझे लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टाइम, यू गेट वेलोसिटी। तो कैलकुलस में आप वेलोसिटी ऐसे लिखोगे डी एक्स बाई डी टी, और आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिखोगे डी वी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम गिव्स वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। चेंज का मतलब यह ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी लिखो आप, या आप वर्ड चेंज इस्तेमाल करो। मेरे को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वही हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या मेरे को चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा वर्ड इसकी लिख सकता हूं मैं डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, ये दोनों सेम ही है। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, डिफरेंस इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, आप डिफरेंशिएशन की सूरत में लिखो या आप ऐसे लिखो, तो आप दोनों सूरतों में एक ही वर्ड पाओगे। दैट्स हाउ इन सिंबलाइजेशन कैन बी अप्लाइड नाउ। तो मैं अगर लिख रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, तो यहां पर जो वेलोसिटी है दैट चेंज विद टाइम, हाउ आई कैन फाइंड दैट ग्रेडियंट या चेंज इन पोजिशन, तो इसके लिए चेंज रूल है। तो मैं लिखूं ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, चेंज इन पोजिशन, क्योंकि वेलोसिटी के साथ पोजिशन चेंज हो रही है, इनटू यहां मैं डी एक्स मल्टीपल कर सकता हूं डी टी, यहां भी डी एक्स मल्टीपल किया, यहां भी डी एक्स मल्टीपल किया। या कभी कभी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज वाई है, वाई चेंज विद रिस्पेक्ट टू यू, और यू खुद चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी, y डिपेंड है u पे, u डिपेंड है t पे, या सॉरी x पे, x में लिखता हूं यहां से मैं समझा रहा हूं, y डिपेंड्स अपॉन u एंड u इन टर्न डिपेंड्स अपॉन x, तो मैं y की डिग्री कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी यू, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो अगर मुझे इन दो की डिफरेंस लिखनी है तो मैं लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स, हियर u चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x and y is changing with respect to u, so यहां मैं dy by dx ऐसे ले सकता हूं, ये है ना dy by dx और ये है du, दोनों मल्टीपल दोनों साइड से, यानी कि मैं लिख सकता हूं dy by dx is equal to dy by du divided by du by dx। तो फिर जब हम लिख सकते dx by du, dy by dx comes out to be equal to dy by du into dx by du du by dx। so ये आ गया यहां पे du, ये du, इस तरह से मैंने यहां लिखा dx और dx लिखा यहां पे। suppose मैंने यहां पे add किया displacement, यहां पे consider कर सकता हूं इनको mathematically। So, A is equal to, ये बन गया dv by dx into, ये क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम, अभी मैं कह रहा था वेलोसिटी, सो आई कैन गेट A इज इक्वल टू v dv ओवर dx, या मैं लिख सकता हूं v dv इज इक्वल dx, यहां ले आओ A dx, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन, या दिस इज Change in the velocity with respect to length x, the length it can be tracking is called the velocity gradient। अब आपको gradient निकालना होगा, तो gradient निकालने के लिए आप ये चेंज को इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आप याद रखें, आप दोनों साइड से
ऊपर और नीचे मल्टीपल कर रहे हैं डीएक्स वेरिएबल को, कभी कभी हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, थीटा की मल्टीपल की भी जरूरत करनी पड़ेगी। आप थीटा या डी थीटा या डी थीटा मल्टीपल करें, अगर आपको विद रेस्पेक्ट टू चीज डी थीटा देखना है। वन स्टडीज विद द टाइम, अनदर विद रेस्पेक्ट टू लेंथ एल, अनदर चेंज विद एंगल थीटा, ये भी ग्रेडियंट कहलाता है। यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज स्टडी करते हैं, इस तरह से एंगुलर चेंज अब थीटा के साथ देखते हैं। तो यहाँ भी आप डी थीटा मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ भी डी थीटा। उसके बाद बाकी वेरिएबल ये नया कुछ बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी बन सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी बन गई, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। यू गेट द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ऐसे मैं लिखूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, दिस इज नोन एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा, इसी तरह आ गया, बिल्कुल इसी तरह बन गया। सो यू कैन राइट डी ओमेगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की चेंज विद रेस्पेक्ट थीटा आ गई। तो ये ग्रेडियंट वाली चेंज यहाँ पे आ गई और ये एंगुलर चेंज आ गई और ये टाइम के साथ चेंज है। तो ये डिफरेंशिएशन के यूजेस है कि आप कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप एक्स और वाई को रिप्लेस करेंगे। आपका एक्स एंड वाई है, वाई के बदले आप वेलोसिटी लिखो, एक्स के बदले टाइम, वाई के बदले आप एक्सेलरेशन लिखो उसके बदले टाइम, वाई के बदले आप डिस्प्लेसमेंट लिखो इसके बदले टाइम। दिस वेलोसिटी इसका डी एक्स बाई डी टी बिकम्स वी, और इस वी डी वी का डी टी बनेगा ए। सो आप ए लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ वी। सो मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी और ए वी, मुझे पता है वी किसके बराबर है, एक्स बाई टी, एक्स बाई टी। सो यू कैन राइट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। चाहे आप ए लिखो चाहे आप डी वी बाई डी टी लिखो, आप चाहे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखो, ये भी एक्सेलरेशन ही है, ये भी एक्सेलरेशन ही है, ये भी एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन लिखने के आपके पास तरीके हैं मैकेनिक्स में, या तो आप ए लिखेंगे या आप डी वी बाई डी टी लिखेंगे या आप डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट अगर ये है और ये टाइम है, सपोज ये वाई है ये एक्स है, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ, यू विल गेट अ वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी पाओगे v। अगर आपने v को फिर से डिफरेंशिएट किया, यू गेट एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करने से यू गेट वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को टाइम से और डिफरेंशिएशन करने से यू गेट एक्सेलरेशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन आने तक आपको डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक आने के लिए आपको वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान टू का फर्क है, यानी कि दो बार आपको डिफरेंशिएशन करनी है, यहां दो बार डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तरफ आ रहे हैं, यू डिफरेंस ओनली वन टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन की तरफ आ रहे हैं, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो ए का लिखने का तरीका यह भी है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अगर आप इन टर्म्स ए को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखोगे तो आप डी वी बाई डी टी लिखोगे। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इज दिस। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी किस रूप में लिखना है, तो डी वी बाई डी टी लिखो। एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट किस रूप में, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर किस रूप में लिख सकते हो। तो ये दो तरीके हैं आपको एक्सेलरेशन लिखने का तरीका, कैलकुलस में कैसे लिखा जाता है, हम कैलकुलस में एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं और वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वही आपने अप्लाई मैकेनिक्स में करना है। क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है वेलोसिटी किस तरह लिखना है मुझे और एक्सेलरेशन किस तरह लिखना है कैलकुलस बेस्ड, तब जाके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बाद में आप मैकेनिक्स के फोर्स वर्डन सबको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जो डिफरेंशिएशन एक्सेल में है, मैं यहां दो ग्राफ डालता हूं। सपोज एक ये चेंज है, सपोज एक चेंज ये है, दोनों चेंजेस है। सपोज यहां से चेंज हो रहा है x1 x2
सो वाई वन वाई टू यहाँ भी यही है, एक्स वन यहाँ पे एक्स टू है, ये वाई वन है यहाँ पे, ये वाई टू है। ऑब्वियसली यहां आप देखो चीज, मैं थोड़ा ही इसको डिस्कस करने वाला हूं, ये वाला हमें एवरेज इंफॉर्मेशन दे देगा, यहां हर एक पॉइंट पे आपको इनपुट पे आपको आउटपुट मिलेगा, हर एक पॉइंट पे जितना आप एक्स चलोगे उतना आपको वाई मिल रहा है, जितना आप एक्स चल रहे हैं उतना आपको वाई मिल रहा है, हर एक पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहां वाई इज इक्वल टू एक्स है, वाई बटा एक्स इज इक्वल टू वन, यानी कि स्लोप वन के बराबर है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ये y है, ये x है, ये थीटा है, या आप सीधे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वन बाय x। अगर स्लोप बराबर बीच में जा रहा है तो एंगल इज 45 डिग्री और tan 45 इज 1, सो यू गेट y x, सो यू गेट y इज इक्वल टू x। सो y इज इक्वल x मतलब है कि सीधे बीच में जा रहा है, जितना x के थ्रू चेंज आ रहा है उतना y के थ्रू चेंज आ रहा है, आपका स्लोप सीधे 45 डिग्री बना रहा है, y ओवर x tan थीटा, tan का 45 डिग्री बना है, tan 45 is 1, then y is equal to 1, then y is equal to x. Y is equal to x मतलब है जितना आपका इनपुट है उतना ही आउटपुट है। लेकिन अगर ये वाली सूरत है, देखो यहां मैं x वैरी कर रहा हूं, यहां मैं x वैरी कर रहा हूं, आपका y बिल्कुल वैरी नहीं हो रहा है इस वाले पोर्शन तक, इसके तीन हिस्से हैं। यहां पे जैसे लग रहा है कि ये स्ट्रेट जा रहा है, जितना x चेंज हो रहा है उतना y भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस वाले पोर्शन में y बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, देखो y की बहुत ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू x। इस वाले पोर्शन में जितना y चेंज है उतना ही x भी चेंज है, लेकिन इस वाले पोर्शन में बहुत कम y चेंज है लेकिन x की ज्यादा चेंज है। यहां तीन हिस्से हैं ग्राफ के, एक दिस वाला पोर्शन x की चेंज बहुत ज्यादा है लेकिन y की कम है, बहुत कम स्लोप है, यहां x भी उतना जा रहा है y भी उतना जा रहा है, दोनों का स्लोप सेम है लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा चेंज y में आ रहा है, x की चेंज बहुत कम है, x की इतनी ही चेंज है, y की इतनी सारी चेंज है, यहां x की इतनी चेंज है, y की है ही नहीं, बहुत कम है, और यहां पे जितना x जा रहा है उतना ही y भी जा रहा है। सो अगर मैं इसको dx समझता हूं, यहां के स्लोप को मैं dy समझता हूं, ये भी यहां पे है dy और ये यहां से है dx और ये इस वाले ट्रायंगल में dy है, यहां पे ये dx है, तो यहां डी एक्स बहुत ज्यादा है, डी वाई बहुत कम है, सो ये डी वाई कम है लेकिन डी एक्स डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा है, नेट वैल्यू लेस देन वन है। यहां चेंज इन वाई, वाई के साइड से बहुत कम चेंज है लेकिन एक्स में बहुत ज्यादा चेंज आ रही है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो लेस नेट वैल्यू इज लेस देन वन, या यू कैन राइट हियर डी वाई इज लेस देन डी एक्स, so you can write dy by dx is less than 1। इस वाले पोर्शन में आप देख लो, so you get in this portion dy less than dx and you approach it, then dy by dx is less than 1। इस वाले हिस्से ग्राफ के इस हिस्से में approximately आपका dx और dy बराबर है, your dy is equal to dx, this implies dy by dx is equal to 1। इस वाले पोर्शन में आपका डी वाई ज्यादा है, डीएक्स कम है, सो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई इज ग्रेटर देन डी एक्स, सो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो तीन तरह के हमारे पास वैल्यूज होते हैं डिफ्रेंसिएशन के, इस डिफरेंशियल के तीन वैल्यूज हमारे पास होते हैं। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये सिंगल पॉइंट आंसर होता है। अब जब ये वाली इस वाली ये वाली कर्व होगी तो तब हमें बहुत सारा वैल्यू एक्स को देना पड़ता है, वाई बहुत इजीली इंक्रीज हो, वाई कम इंक्रीज हो रहा है, उसके स्टेज आता है जब वाई भी उतना ही बढ़ रहा है, एक्स भी उतना ही बढ़ रहा है, एक स्टेज आता है जब वाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डिपेंड वेरिएबल बहुत बढ़ रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट कम बढ़ रहा है। तो यहां पर चेंज जो है वो डिफरेंट पैटर्न की चेंज है। अगर हमें इस चेंज को स्टडी करना है, अगर हमें इस वाले चेंज को स्टडी करना है, ये चेंज कैसे आ रही है कि हमें तीन वैल्यू है तो हमें इस चेंज को कैसे स्टडी करना है। तो असल में क्या होता है, ये डी वाई जो डी एक्स है वो सिंगल पॉइंट है, ये जो है ये ऐसे है, हम कोशिश करते हैं कि हम इंस्टेंट पॉइंट को लोकेट करें कि चेंज कितनी आ रही है, हम पहले इस वाले इस पॉइंट को ये डिफरेंस देखते हैं कि यहां से कितनी डिफरेंस है,
ये अगर x1 है, ये x2 है, ये बन गया x2 माइनस x1, बन गया डेल्टा x। तो हम कोशिश करते हैं डिफरेंस को कम करेंगे, सीकेंट को हम कम करते हैं, हम कम करते हैं डिफरेंस को। अब x1 यहां पहुंच गया, x2 यहां पहुंच गया, हम और कम कर रहे हैं। अब x1 यहां पहुंच गया, x2 यहां पहुंच गया, हम नजदीक आ रहे हैं चेंज की। इससे पहले हमें पता ही नहीं थी यहां से चेंज स्टार्ट हुई यहां तक बीच में क्या हो रहा था, बीच में नहीं, हमें सिर्फ फाइनल चेंज पता थी, हमें इनिशियल पता थी, फाइनल पता थी, हमें नहीं पता था कि बीच में क्या हुआ था। या बीच में पहले स्लो चला, फिर तेज चला, फिर उससे ज्यादा तेज चला। तो कभी क्या हो रहा है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि श्रीनगर कितना दूर, हम कहते हैं कि ये 2 घंटा लगता है श्रीनगर तक। अब ये नहीं है कि श्रीनगर तक 2 घंटे का मतलब है कि हमें हर, अगर 60 किलोमीटर श्रीनगर दूर है, हमें हर एक किलोमीटर में 2 मिनट लग गए, नहीं। कभी हम बहुत तेज चले होते हैं, कभी हम बहुत स्लो चले होते हैं जाम की वजह से, कभी रुके होते हैं, कभी ओपन हाईवे की वजह से हम बहुत चले होते हैं। देयर इज अ वेरिएशन इन द स्पीड। तो यहां पे वही वेरिएशन दिखा रहा है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन वैल्यू देखना होता है कि हमें टोटल चेंज कितनी आई। हम एवरेज स्टडी नहीं करेंगे, हम इंस्टेंटेनियस स्टडी करने वाले हैं। तो जब ये फाइनल पॉइंट देखते हैं, तो हम इंस्टेंटेनियस, सॉरी, एवरेज चेंज स्टडी करते हैं। एवरेज चेंज को खत्म करने के लिए, एक्यूरेसी यानी कि एरर को कम करने के लिए, हम डिफरेंस को कम कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स टू माइनस एक्स वन डिफरेंस को हम कम कर रहे हैं, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन को हम इतना कम करेंगे कि जीरो तक आ जाएगा, उसी को हम लिमिट वैल्यू बाद में बोलते हैं। कि ये डिफरेंस जो हम कम कर रहे हैं, इसके स्टेज में एक स्टेज आ जाता है जब आप एक सिंगल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो डिफरेंस है ही नहीं। तो उस जगह पे जो आप टेंजेंट डाल देते हो, दैट टेंजेंट, दैट थीटा, दैट टेन थीटा इज इक्वल टू दिस डी वाई ओवर डी एक्स, दैट इज अ डिफरेंशियल वैल्यू एंड इट इज अ फर्स्ट अप्रोक्सिमेशन। इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सिमेशन कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम मानते हैं कि अब यहां डिफरेंस जीरो बन गई, डिफरेंस बहुत कम, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन की डिफरेंस बहुत कम हो गई, ये सिंगल पॉइंट बन गया, यानी कि सेकेंड जो था अब वो टेंजेंट बन गया। इसी टेंजेंट को हम डी वाई बाई डी एक्स स्लोप कहते हैं, और इसी को हम डिफरेंशियल वैल्यू कहते हैं, और इसी को हम फर्स्ट अप्रोक्सिमेशन कहते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सिमेशन क्यों कहते हैं, एक्चुअल हमें नहीं पता है कि डिफरेंस है वहां पर या नहीं है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं जो एक पॉइंट होगा जिसके बाद कोई चेंज नहीं आ सकती है। यानी कि अगर आपके पास कर्वड चेंज है ऐसा, तो यहां पे एक टेंजेंट डाल दे, तो आप एक ये पॉइंट डालेंगे जहां पे आपकी चेंज इसके बाद जीरो हो सकती है। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको टेंजेंट डालना पड़ता है कि अगर आपका कोई चीज चेंज हो रही है, एक स्टेज आएगा उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाली है, या इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, या पहले वो इंक्रीज हो रहा है फिर जाके डिक्रीज हो जाएगा। तो टेन वो पॉइंट है जिसके बाद चेंज नहीं आने वाली है, आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। को हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पे आप हमेशा डिफरेंशिएशन को जीरो ले जाते हो। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर फोर्स मैक्सिमम है या कहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आप अदर पैरामीटर्स को सॉल्व करो। जब भी वर्ड मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम आएगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट होता है टेन, उस पे जो सिंगल आंसर होता है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ आंसर होगा और वो स्लोप होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो मैक्सिमम और मिनिमम को निकालने के लिए हमें डी वाई डी एक्स निकालना पड़ता है, और ये जो डी वाई डी एक्स होता है, यहाँ ये सिंगल पॉइंट होता है और निग्लिजिबल, वहां डिफरेंस बहुत कम होती है, हम उसे सिंगल पॉइंट कंसिडर करते हैं। टेन जो है वो सिंगल पॉइंट पे होता है, और इसलिए टेंजेंट जो होता है वो एक सिंगल पॉइंट पे होता है। लेकिन अगर सेकेंट होता है, सेकेंट दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, फिर ये जो सेकेंट है ये बाद में टेन बन जाता है, एंड गिव द आंसर, गिव द इधर मैक्सिमम वैल्यू और गिव द इधर मिनिमम वैल्यू। तो जब भी आपका डी वाई बाई डी एक्स लेस देन वन होगा तो स्लोप डिक्रीज है, जब भी आपका डी वाई ग्रेटर देन वन होगा स्लोप इंक्रीज है, जब भी आपका डी वाई डी एक्स इक्वल टू वन होगा आपका स्लोप बिल्कुल 45 डिग्री पे है, टेन 45 है। आप ऐसे अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ऐसे करो है तो आप टेन डाल दीजिए, तो यहां पे ये जो लाइन है ना, अगर ये एक्स एक्स पैरेलल आ गई, अगर लाइन पैरेलल एक्स एक्स आ गई तो स्लोप जीरो है, जीरो स्लोप है। तो अगर ये शार्प ऐसे आ गई है स्लोप मैक्सिमम है। तो यहां पे इस कर्व का अगर हमें स्लोप देखना है, आप देखिए यहां ये स्लोप आ रहा है, टेंजेंट डाल दी, यहां एक स्लोप आ रहा है, यहां ये स्लोप आ रहा है, यहां पे स्लोप पैरेलल टू एक्सिस आ रहा है, इसका मतलब है स्लोप जीरो, ये इसका मैक्सिमम है, यहां पे फिर से डिक्रीज होना शुरू करेगा, ये इसका मैक्सिमम है। यहां जगह पे आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। अगर आपके पास
ऐसा लाइन होगी, ऐसी फंक्शन होगी ऐसे, तो यहां आप स्लोप कम है, यहां स्लोप थोड़ा बढ़ गया, अब यहां बहुत ज्यादा स्लोप हुआ, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है, तो यहां डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन वन, यहां इस वाले में स्लोप कम हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन वन, तो यहां पे आपको लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चला जाएगा और यहां पे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इनको इक्वेट करना है जीरो के बराबर, ये हमें यूज हो जाएगा बाद में जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे, तो डिफरेंशिएशन यहां पे खत्म हो जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे।